टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? सुहास यतिराज। टोक्यो पैरालंपिक के बारे में जान लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह आयोजित नहीं हो सका। और 2020 के पैरालंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए थे। 2020 टोक्यो पैरालंपिक की शुभंकर सोसाइटी है। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे? हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर 2021 को 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को साक्षर होने सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। साक्षरता न केवल लोगों के बेहतर जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या को नियंत्रित करने, बाल मृत्यु दर को कम करने आदि में भी मदद करती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, 8 सितंबर 1967 में पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। 2021 की थीम है मानव केंद्रित पूर्ण प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस कौन कौन से हैं? विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2021 4 सितंबर, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ द ब्लू स्काइज 2021 7 सितंबर। हमारा 6th क्वेश्चन है, ओस इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओस इंडेक्स 2021 6 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय जहाज INS शिवालिक और INS कदमत भाग लेंगे। ओस इंडेक्स पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत करेगा। संस्करण है इसका 4th और आयोजित स्थल है ऑस्ट्रेलिया में। टॉप 5 सैन्य अभ्यास, सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत सिंगापुर, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल, कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान, त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास भारत फ्रांस और UAE। हमारा 7th क्वेश्चन है, नया साल का त्यौहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? यह है यहूदी। बी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रोश हशाना यहूदी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। रोश हशाना यह यहूदी लोगों का नया साल है। हर साल यहूदी लोग अपना नया साल यानी रोश हशाना मनाते हैं। इस साल रोश हशाना आज से यानी 6 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है और 8 सितंबर बुधवार को इसका समापन है। बाइबल के इतिहास में रोश हशाना नया साल यह वह दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था। विश्व का एकमात्र यहूदी देश इज़राइल है। 8th क्वेश्चन, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? ये किया गया है IIT हैदराबाद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। यह भवन धातु के ढांचे द्वारा समर्थित जैव ईंटों से बना है और गर्मी को कम करने के लिए छत को PVC शीट के ऊपर बायो ईंटों से बनाया गया है। 9th क्वेश्चन, 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? अवनी लेखरा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक किया गया था।
19 साल की निशानेबाज अवनी लेखरा 5 सितंबर 2021 को आयोजित टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में टेकचंद भारतीय ध्वजवाहक थे। 10th क्वेश्चन, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट चौक पर देश का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र एयर प्यूरिफायर बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई 24 मीटर है। खास बात यह है कि इसमें फिल्टर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधुनिक तकनीक वाले इस वायु शोधक यंत्र में लगा हाई स्पीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर देगा। और हमारा लास्ट, और अब हम रिविज़न कर लेते हैं फटाफट। मोहम्मद हसन अंकुद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? अफगानिस्तान के। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? क्यूबा। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? INS अन्वेश। ओके, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? सुहास यतिराज। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? 8 सितंबर। ऑस इंडेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। नया साल का त्यौहार रोश हशाना का संबंध किस धर्म से है? यहूदी धर्म से। भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस IIT संस्थान में किया गया है? IIT हैदराबाद में। 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थी? ये थी अवनी लेखरा। 10th क्वेश्चन, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया? ये किया गया चंडीगढ़। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा, आज का हमारा करंट अफेयर डिस्कस कर लिया हमने पूरा। अब हम कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।